सो गाइस, तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये लोन एप्लीकेशन है, ये मुझे 15,000 का यहाँ पे लोन ऑफर कर रहा है, जो यहाँ पर आप देख सकते हो। और नीचे आप देख सकते हो कि नीचे ऑप्शन आ चुका है ऐड बैंक डिटेल्स गाइस। तो जैसे मैं ऐड बैंक डिटेल्स वाले ऑप्शन पे यहाँ से क्लिक करूंगा तो मेरे अकाउंट में 5 मिनट के अंदर में यहाँ से ये 15,000 एक मतलब जो भी अमाउंट है ये मेरे बैंक अकाउंट में 5 मिनट के अंदर में यहाँ से भेज दिया जाएगा। तो गाइज, अगर आपको भी लोन की काफी ज्यादा जरूरत है और आप चाहते हो कि आपको भी लोन मिल जाए, तो गाइज तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना है, क्योंकि गाइज मैं आज की इस वीडियो में एक ऐसे लोन एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ से आप बिना कोई इनकम प्रूफ, बिना कोई सिविल स्कोर, बस आपका एज 18 साल प्लस होना चाहिए और आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड होना चाहिए, तो आप इस लोन एप्लीकेशन के अंदर अच्छा खासा आप यहाँ से लोन ले सकते हो। ये जो लोन एप्लीकेशन है ये NBFC RBI है गाइज, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, आप आसानी से इस लोन एप्लीकेशन के अंदर जाकर लोन अप्लाई कर सकते हो और आपको यहाँ से 110% आपको यहाँ से लोन मिल जाएगा। तो चलेगा, जब हम बताते हैं कि आप इसके अंदर कैसे लोन अप्लाई कर सकते हो। और ये जो लोन एप्लीकेशन है इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से जाकर इस लोन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। और वीडियो के बीच में बता देंगे कि इस लोन एप्लीकेशन का नाम क्या है। तो चलेगा, इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, तो अगर सबसे पहले अगर इस एप्लीकेशन का रेटिंग का बात कर लेते हैं गाइज, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4.2 का रेटिंग मिला हुआ है इस एप्लीकेशन का, जो काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन को रेटिंग मिला हुआ है। अगर ये अगर डाउनलोड्स की अगर बात कर लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो 10 मिलियन प्लस लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यूज भी करा है, मतलब गाइज 1 करोड़ प्लस लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किए हुए हैं। अगर यही अगर इसका कुछ अबाउट फीचर यहाँ से हम लोग देख लेते हैं गाइस, तो यहाँ पर देख सकते हो कि आपको मैक्सिमम आपको इस एप्लीकेशन में आपको 2 लाख तक का आप यहाँ से लोन मिल सकता है, यहाँ पर जो देख सकते हो। और आपको बस KYC करना है और 5 मिनट के अंदर में आपके अपने अकाउंट में यहाँ से अमाउंट ले लेना है। अगर यही अगर बात करें थोड़ा नीचे आने के बाद, अगर यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर इस एप्लीकेशन के अंदर अगर हम यहाँ से 1 लाख का यहाँ से लोन लेते हैं, और अगर मैं 1 लाख का लोन अगर यहाँ से 1 साल के लिए लेता हूँ गाइस, ठीक है, तो मुझे इंटरेस्ट रेट यहाँ पर जो देख सकते 30% लगेगा, प्रोसेसिंग फीस मुझे यहाँ पे 3,000 लगेगा और मेरा टोटल इंटरेस्ट जो बन जाएगा गाइस वो 16,985 रुपये मेरा बन जाता है। और मेरा जो पर मंथ जो EMI मुझे देना है 1 साल तक 12 महीना तक गाइस, यहाँ पर 9,747 रुपये अगर मैं 1 साल का यहाँ से लोन लेता हूँ तब। और यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे अकाउंट में जो अगर मैं 1 लाख का यहाँ से लोन लूँगा तो मेरे अकाउंट में यहाँ से 97,000 यहाँ से भेजा जाएगा, 3,000 काटा जाएगा प्रोसेसिंग फीस प्लस GST यहाँ से काटा जाएगा। और मुझे जो रिपेमेंट करना है 1 साल में इस मतलब लोन अप्लीकेशन का, यहाँ पर देख सकते हैं 1,16,995 रुपये मुझे इनको रिपेमेंट करना है, जो यहाँ पर आप देख सकते हो। और आपका टोटल कॉस्ट यहाँ पे बन जाता है इंटरेस्ट अमाउंट एंड प्रोसेसिंग फीस 16,985 रुपये प्लस आपको 3,000 GST यहाँ पे पड़ जाता है, तो आपको टोटल यहाँ पे आपको जो इंटरेस्ट रेट जो आपका बन जाता है यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पे लग जाएगा आपको 19,985 रुपये आपको यहाँ पर लग जाएगा। तो गाइस, अब हम बताते हैं कि आप इस लोन एप्लीकेशन के अंदर कैसे लोन अप्लाई कर सकते हो और आपको जो इस एप्लीकेशन के अंदर जो लोन मिलेगा आप उसको सीधा अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हो। सो गाइस, जैसे आप फर्स्ट टाइम इस लोन एप्लीकेशन को आप ओपन करोगे तो फिर यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाता है इंटर मोबाइल नंबर गाइस, तो आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देना, आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे अपना डाल के फिर सबमिट वाले ऑप्शन पे यहाँ से क्लिक कर लेना है। जैसे अपना मोबाइल नंबर डाल के सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे उसके बाद आपको मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, जो OTP फिर यहाँ पे आपको फिलअप कर लेना है। तो चलेगा, यहाँ अपने मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल के इस एप्लीकेशन को लॉग इन कर लेते हैं OTP डाल के, तो आप भी अपना OTP डाल के इस एप्लीकेशन को यहाँ से लॉग इन कर लीजिएगा। जैसे आप वहाँ से अपना मोबाइल नंबर डाल के इस एप्लीकेशन को आप लॉग इन करोगे उसके बाद फिर आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस देखने को आ जाता है। तो अब आपको इस एप्लीकेशन को आपको अलाउ करना है, यहाँ पर आपको 2 चेकबॉक्स का ऑप्शन नीचे देखने को मिल जाएगा, तो आपको इस दोनों में यहाँ से टिक लगा के उसके बाद आपको यहाँ पे सामने मिल जाता है जो यहाँ पर आप देख सकते हो कि रीड एंड एक्सेप्ट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, रीड एंड एक्सेप्ट है, तो आपको रीड एंड एक्सेप्ट वाले ऑप्शन यहाँ से क्लिक कर लेना है। जैसे आप रीड एंड एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद इस परमिशन को आपको यहाँ से लगातार अलाउ कर देना है। यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर लोडिंग ले रहा है, तो आपको थोड़ा देर यहाँ पर वेट कर लेना है। जैसे आप वहाँ से एप्लीकेशन को आप मतलब अलाउ करोगे फिर थोड़ा देर आपको वहाँ पे वेट करना पड़ जाएगा, मतलब लगभग आपको 10 सेकेंड समथिंग, उसके बाद फिर आपके सामने इस टाइप का पेज ओपन खुल के आ जाएगा जो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो अब ऊपर आप देख सकते हो कि यूजर डिटेल्स आपको यहाँ पे फिलअप करना है, तो यूजर डिटेल्स में अब आपको क्या क्या फिलअप करना था मैं यहाँ पे पहले आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको अपने यहाँ पे फर्स्ट नेम आपको इंटर यहाँ पे कर देना है, उसके बाद आपके नाम का जो भी लास्ट लेटर होगा गाइज, मतलब आपको जैसे अगर आपका संजय और कुमार होगा गाइज, तो ऊपर आपको संजय डाल देना है और नीचे लास्ट में आपको लास्ट नेम में आपको कुमार डाल देना है। तो उसके बाद फिर आपको यहाँ पे फादर्स नेम का ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है गाइज, तो आपको अपने फादर का यहाँ पे नाम इंटर कर देना है। उसके बाद फिर आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पे इंटर कर देना, कोई सा भी एक ईमेल आईडी आप अपना यहाँ पे इंटर कर लेना है। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको मांगा जाएगा, तो आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे इंटर कर देना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा एकदम सही आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना है। उसके बाद फिर आपको जेंडर में यहाँ पे आपको देख सकते हैं यहाँ पे जेंडर का ऑप्शन आ जाता है, तो जेंडर में अगर आप मेल हो गए तो मेल भी सिलेक्ट कर सकते हो, अगर आप फीमेल हो गए तो यहाँ से फीमेल भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आता है मैरिटल स्टेटस गाइस, जो आप देख सकते हो।
तो अगर आप सिंगल हो तो सिंगल भी सिलेक्ट कर सकते हो, अगर आप मैरिज हो गाइस तो मैरिज भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद नीचे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा कंपनी कोड प्रोमो कोड गाइस, अगर आप कोई कंपनी में अगर आप कोई जॉब करते हो तो उसका अगर कोई कोड है गाइस तो आप यहाँ पर कोड इंटर कर सकते हो, अगर कोई कोड नहीं है गाइस तो आप यहाँ पर कोड भी इंटर नहीं कर सकते, कोई भी दिक्कत नहीं। अगर आप कोड इंटर करोगे तो फिर भी सही है, नहीं करोगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद आपको करना क्या होगा, नीचे आपको प्रोसीड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है तो आपको यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो चलिए गाइस हम ये सब यहाँ पे इंटर कर लेते हैं, फिर प्रोसीड वाले ऑप्शन पे हम यहाँ से क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप वहाँ से प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पे ये एप्लीकेशन आपको आपको मिनिमम आपको 2 लाख तक का ये एप्लीकेशन आपको लोन ऑफर कर सकता है। यहाँ पर जो देख सकते हो गाइस ये आपको 2 लाख तक का लोन ऑफर कर सकता है, यहाँ पर देख सकते हो आपको बिल्कुल इजी स्टेप में आपको यहाँ पे आपको 4 स्टेप में आपको यहाँ से मिल जाएगा। जो देख सकते हो आपको इसमें करना क्या पड़ेगा, रिपेमेंट करना है इजी एप्लीकेशन का, ये भी यही सब आपको देना, लो इंटरेस्ट के साथ आपको ये एप्लीकेशन के मतलब आपको यहाँ से लोन मिल जाएगा। तो ये अब आपको करना क्या पड़ेगा लोन अप्लाई करने के लिए गाइस, यहाँ पे आपको नीचे अप्लाई नाउ का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो आपको अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन यहाँ से क्लिक कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ से अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे आप अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे उसके बाद आपको अपना पैन कार्ड का नंबर और आधार कार्ड का आपको नंबर वहाँ पे इंटर करना है, अपना डेट ऑफ बर्थ अपना नाम वहाँ पे इंटर करना है गाइज। और जैसे आप वो सब वहाँ पे फिलअप कर लोगे जो मैंने अभी जस्ट करके आया हूँ गाइज, तो आप जैसे वहाँ से वो सब अपना फिलअप कर लोगे उसके बाद फिर आपको यहाँ पे आपको ऑफर दिखा दिया जाएगा कि आपको ये एप्लीकेशन के द्वारा आपको कितना लोन मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये एप्लीकेशन के द्वारा मैं यहाँ से 15,000 तक यहाँ से मैं लोन ले सकता हूँ, मैं यहाँ से एलिजिबल हूँ 15,000 लोन लेने के लिए यहाँ पे। और देख सकते हैं नीचे यहाँ पे आ जाता है विद इन 5 मिनट्स के अंदर में मैं यहाँ से लोन ले सकता हूँ। तो इस लोन अमाउंट को लेने के लिए अब आपको करना क्या पड़ेगा, तो नीचे आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है, तो आपको अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। आपको जितना भी लोन अमाउंट यहाँ पे शो किया जाएगा ऑफर किया जाएगा वो आपको दिख जाएगा। मुझे यहाँ पे 50,000 शो किया, हो सकता है वो 25,000 भी शो कर दे, 40,000 भी, 1 लाख भी, हो सकता है वो 2 लाख भी शो कर दे, वो आपको ऊपर डिपेंड पड़ता है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ से अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। चलिए हम यहाँ से अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे यहाँ से क्लिक कर लेते हैं। जैसे वहाँ से आप अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पे आता है फादर नेम गाइस, तो आपको अपने पिताजी का यहाँ पे नाम इंटर कर देना है। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आपको इस कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे यहाँ से क्लिक कर लेना है। तो चले गए हम यहाँ से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे वहाँ से आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे फिर आपके सामने यहाँ पे 2 चेकबॉक्स का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है, तो आपको इस दोनों चेकबॉक्स वाले ऑप्शन पर टिक लगा के यहाँ पे आपको नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको इस कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर यहाँ से क्लिक कर लेना है। तो चले गए हम यहाँ से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं, तो आप भी इस दोनों चेकबॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आप कंटिन्यू कर लीजिएगा। जैसे वहाँ से आप कंटिन्यू कर लोगे उसके बाद फिर आपको यहाँ पे अपना एड्रेस इंटर करना है, तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने अपना यहाँ पे एड्रेस ऑलरेडी यहाँ पे इंटर कर लिया हूँ, 2 एड्रेस मेरा यहाँ पे इंटर है, दोनों में से मैं किसी को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मान लेते हैं कि अगर आपने एड्रेस यहाँ से इंटर किया सेव किया अगर आपका एड्रेस गलत हो जाता है तो आप फिर से यहाँ पर जो देख सकते हो एड न्यू एड्रेस का जो ऑप्शन आ जाता है, अगर आपका एड्रेस अगर गलत हो जाता है तो यहाँ पर आप कर सकते हो। जैसे मेरा एक बार गलत हो गया तो मैं यहाँ से दूसरा एड्रेस यहाँ से बना लिया हूँ। उसके बाद फिर आपको इस चेकबॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक लगा के और अपना एड्रेस यहाँ सेलेक्ट करके उसके बाद आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर नीचे क्लिक कर लेना है। तो चलेगा हम यहाँ से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे मैं वहाँ से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक किया हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा लोन अमाउंट यहाँ पे आ चुका है 50,000 और ये मेरे अकाउंट में जो पैसा भेजा जाएगा अगर मैं यहाँ से अगर 50,000 का लोन लेता हूँ तो मेरे अकाउंट में यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे मतलब भेजा जाएगा 48,230 रुपये मेरे अकाउंट में यहाँ से भेजा जाएगा, जो यहाँ पर भी आप लाइव प्रूफ यहाँ पर देख सकते हो। और मेरा जो मंथली EMI बन जाएगा गाइस यहाँ पर जो आप देख सकते हो 6,422 रुपये मेरा मंथली EMI बन जाएगा 9 महीना के लिए अगर मैं यहाँ से लोन लेता हूँ, तब इंटरेस्ट रेट मुझे 36% लगेगा। अगर ये इसका कुछ और डिटेल्स यहाँ से देख लेते गाइस तो आपको इस एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना अगर आपको यहाँ से डिटेल्स और कुछ मतलब एक्स्ट्रा डिटेल्स अगर देखना है तब। तो जैसे मैं वहाँ से व्यू डिटेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा 15,000 यहाँ पे अमाउंट आ चुका है और मेरा जो चार्जिंग गाइस लगेगा मतलब प्रोसेसिंग फीस 1,500 रुपया, GST 270 रुपया, टोटल फी मुझे लग जाएगा 1,770 रुपया और मेरे अकाउंट में यहाँ से मनी भेजा जाएगा जो यहाँ पर देख सकते हैं 48,230 रुपया। अगर यही मैं अगर 9 महीना के लिए अगर लोन लेता हूँ तब यहाँ पर देख सकते हैं 7800 मेरा टोटल इंटरेस्ट बन जाएगा, 7865 रुपया मेरा टोटल इंटरेस्ट यहाँ पे बन जाता है और मुझे जो रिपेमेंट करना है यहाँ पर देख सकते हैं 57,865 रुपया मुझे 9 महीना में इनको रिपेमेंट करना अगर मैं 50,000 का इस एप्लीकेशन के अंदर लोन लेता हूँ तब। तो आपको अपने यहाँ से टोटल डिटेल्स देख लेना है, उसके बाद आपको इस एरो वाले ऑप्शन में यहाँ से क्लिक कर लेना है। तो चलिएगा हम इस एरो वाले ऑप्शन पर यहाँ से क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप उस एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके बैक आओगे तो आपको अब यहाँ से अपना बैंक अकाउंट यहाँ से अपना मतलब ऐड कर लेना है इस लोन अमाउंट को लेने के लिए। तो नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है ऐड बैंक डिटेल्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको ऐड बैंक डिटेल्स वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे वहाँ से आप ऐड बैंक डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद आपको अपना यहाँ से बैंक अकाउंट को यहाँ से अपना ऐड कर लेना, जो यहाँ पर देख सकते हो मेरा HDFC बैंक यहाँ से मैंने अपना अकाउंट कर लिया हुआ है।
तो आप भी अपना बैंक यहाँ से अकाउंट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ से कन्फर्म वाले ऑप्शन पर यहाँ से क्लिक कर लेना है। तो चलेगा यहाँ अपना कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे वहाँ से आप कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, उसके बाद आप जो भी ईमेल वहाँ पे दिए रहोगे, आपको उस ईमेल पे एक टर्म एंड कंडीशन आएगा गाइस, जिसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है। गाइस यहाँ पर देख सकते हैं मेरे ईमेल पे एक आ चुका है, जो उसकी मैं यहाँ पर जूम भी करके आपको दिखा देता हूँ। जो अगर मैं यहाँ से 50,000 का लोन लेता हूँ, आप देख सकते हैं 50,000 का मैं यहाँ से लोन लेता हूँ, और यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी सारे यहाँ पे आ जाता है गाइस। तो आपको अपना यहाँ से देख लेना है मेरा जो भी इंटरेस्ट रेट, जो भी मेरा एक्स्ट्रा मतलब इंटरेस्ट अमाउंट जो बन रहा है 7865 रुपये गाइस, तो ये टोटल चीज़ यहाँ पे आ जाएगा। तो आपके यहाँ से अपना जो टर्म एंड कंडीशन गाइस, इसको आपको अपना यहाँ से एक्सेप्ट कर लेना है। तो चलेगा हम इसको यहाँ से एक्सेप्ट कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं। जैसे आप वहाँ से टर्म एंड कंडीशन को आप मतलब एक्सेप्ट करोगे, उसके बाद आपके अकाउंट में 3 से 4 मिनट के अंदर में आपके अकाउंट में पैसा भेज दिया जाएगा। जो यहाँ पर देख सकते हैं मुझे मैसेज आ चुका है, जो 48,230 रुपये मेरे अकाउंट में यहाँ से पैसा आ चुका है, जो अभी कुछ ही देर पहले आया हुआ है, जो मुझे अभी मतलब जस्ट मेरे को मतलब अभी मैसेज आया हुआ है। और देख सकते हैं मेरे HDFC बैंक अकाउंट में ही यहाँ से अमाउंट आया हुआ है 48,240 रुपये गाइस। तो आप भी जाकर इस लोन एप्लीकेशन के अंदर आप जाकर लोन अप्लाई कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं इस लोन एप्लीकेशन का नाम क्या है। तो गाइस इस लोन एप्लीकेशन का नाम है रिंग लोन ऐप गाइस, जो यहाँ पर आप देख सकते हो, जो काफ़ी अच्छा लोन एप्लीकेशन है गाइस। अगर इसका रेटिंग भी आपको दिखाई दी है, डाउनलोड्स भी आपको दिखा दिए, जो काफ़ी ज़्यादा भी डाउनलोड हो चुका है। अगर बात कर लेते हैं कि अगर किसी भी कारण अगर आपको इस रिंग एप्लीकेशन के अंदर आपको लोन नहीं मिलता है, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि गाइज मैंने आप लोगों के लिए 15 लोन एप्लीकेशन के ऊपर वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। आप वहाँ से जाकर उन 15 लोन एप्लीकेशन के अंदर आप लोन अप्लाई करो गाइज, तो आपको वहाँ से 110% आपको वहाँ से लोन मिल जाएगा, जिनका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। गाइज आपको उन 15 लोन एप्लीकेशन के अंदर कोई भी सिविल स्कोर, कोई भी इनकम प्रूफ आपको देने का कोई जरूरत नहीं है, बस आपका एज 18 साल प्लस होना चाहिए और आपके पास पैन कार्ड आधार कार्ड होना चाहिए। तो आप उन 15 लोन एप्लीकेशन के अंदर 110% गाइज आप वहाँ से लोन लेकर जाओगे, वो भी गाइज मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। गाइज मैंने अपने खुद काफ़ी सारे सब्सक्राइबर लोगों को भी मैंने वहाँ से 15 लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन दिलवाया हुआ है गाइज। तो आप भी जाकर उन 15 लोन एप्लीकेशन के अंदर जाकर लोन अप्लाई करो गाइज, आपको वहाँ से लोन मिल जाएगा। बस गाइज आज की वीडियो में इतना गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।